और चलिए 25 खबरों के बाद अब आप सभी के लिए खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट पूरी तरह से तैयार है, तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। सीबीएसई के बारहवीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, इस बार भी लड़कियां रही लड़कों से आगे। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने पर देश में जश्न, 25 जुलाई को लेंगी शपथ। भारत पाकिस्तान सीमा से गिरफ्तार आतंकी रिजवान ने बताया, पाकिस्तान में रची गई थी नुपुर शर्मा के खिलाफ साजिश, रिजवान ने ही लाहौर में तोड़ी थी महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा। श्रीलंका में 105 दिन बाद सरकार फिर सुपुत्र होगा, राष्ट्रपति सचिवालय विक्रम सिंघे के मंत्रियों का आज शपथ ग्रहण। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रचने के करीब ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा 88.39 मीटर भाला फेंककर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो ये थी अब तक की सुर्खियां, अब आपको बता दें खत्म हो गई इंतजार की घड़ी और आज सीबीएसई ने बारहवीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं, इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी। ये नतीजे उत्साहित करने वाले हैं क्योंकि 92% से ज्यादा छात्रों को कामयाबी हासिल हुई है। सीबीएसई ने बारहवीं के नतीजे जारी कर दिए तो छात्र और छात्राओं के चेहरों पर मुस्कान आ गई। इन नतीजों का छात्रों को बेसब्री से इंतजार था। इस बार बारहवीं की परीक्षा में करीब 14 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया, जिनमें 92.71% छात्र पास हुए। हर बार की तरह इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी, परीक्षा में शामिल 94.54% छात्राएं पास हुई, जबकि 91.25% छात्रों को कामयाबी मिली। 98.83% रिजल्ट के साथ त्रिवेंद्रम रीजन अव्वल रहा। इस बार के नतीजों में खास बात ये भी है कि 33,000 छात्रों ने 95% अंक हासिल किए हैं, जबकि 1,34,000 छात्रों को 90% से ज्यादा अंक मिले हैं। छात्र नतीजे cbserizults.nic.in और cbse.gov.in वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके साथ ही डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर भी रिजल्ट देखने की सुविधा दी गई है। कुमार कुणाल, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदिति शिल्पी जुड़ी है हमारे साथ लखनऊ से और नोएडा से मनीष भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शिल्पी का मैं रुख करना चाहूंगी। शिल्पी, मुझे ये बताइए कि आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और यहां पर माहौल कैसा है, क्योंकि बारहवीं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और छात्रों के चेहरे पर जो स्माइल होगी वो डबल हो गई होगी। बिल्कुल, देखिए छात्रों के चेहरे पर जो स्माइल है वो आप देख सकती हैं और हम कह सकते हैं कि डबल नहीं ट्रिपल इसलिए है कि इस बार सीबीएसई के रिजल्ट के लिए इंतजार बहुत करना पड़ा, तो जो ज्यादा इंतजार जब किसी चीज का करना पड़ता है उसके बाद जब नतीजा निकलता है तो उसकी बात ही कुछ और होती है। लेकिन सुनते इन्हीं से हैं कि कैसा इनको अब लग रहा है इतने इंतजार के बाद। आपके कितने परसेंट मार्क्स आए हैं? 93% इस बार देर से आया है सीबीएसई का रिजल्ट, तो आपको लग रहा था कुछ डर लग रहा था, एंग्जाइटी थी, और अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है, मतलब इतना देर के बाद आया है रिजल्ट तो, और अच्छा आया है तो आई एम हैप्पी। अच्छा ये बताइए, गर्ल्स ने इस बार फिर से बाजी मारी है। जी शिल्पी, आपसे एक बार फिर से बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार रुक करते हैं मनीष का भी जो हमारे साथ बने हुए हैं नोएडा से। मनीष, आप बताइए वहां पर चेहरों के, वहां पे बच्चों के चेहरों की मुस्कान जो है वो कैसी है? बहुत लंबे वक्त के बाद ये नतीजे जो है सामने आए हैं। दो चरणों में एग्जाम हुए, पहले चरण के एग्जाम जो थे स्कूल में थे, फिर सेंटर्स में पढ़े, अब नतीजे जो हैं अच्छे रिजल्ट्स के साथ दिखाई दे रहे हैं। बताइए कैसा माहौल बना हुआ है नोएडा में? देखिए मेरे साथ इस वक्त ऑल इंडिया टॉपर्स मौजूद हैं, युवाक्षी हैं, उनके 500 में से 500 पूरे मार्क्स आए हैं। क्या बात है, और पूर्णिमा है। सबसे पहले बात युवाक्षी कैसी तैयारी रही और 500 में से पूरे मार्क्स 100% एक्सपेक्ट किया था क्या? क्या सब्जेक्ट थे आपके? कितने घंटे पढ़ाई करते थे? I don't particularly believe in spending much more than 10% of the test, but job participation मतलब maximum use करते time। अब आगे तैयारी क्या है, क्या बनना है? आगे तैयारी अभी I'm aiming to pursue psychology and clinical psychology आगे करते हैं। ठीक है।
तुम्हारी कितने मार्क्स आए आपके और पोजीशन है इसका? क्या क्या सब्जेक्ट है आपके? इंग्लिश हिस्ट्री और साइंस मैथ्स। तैयारी कैसी रही? रिजल्ट जब आया तो सबसे पहले किसको देखा? रिएक्शन क्या था? क्या करना है आगे? आगे मुझे बीयू में इकोनॉमिक्स और इंग्लिश पढ़ना है। ठीक है, पूर्णिमा भी है हमारे साथ। पूर्णिमा, आपके क्या सब्जेक्ट है? मेरे सब्जेक्ट इंग्लिश, अकाउंटेंसी स्टडीज। मनीष, आपकी आपकी आवाज जो है और जो आपके साथ है उनकी आवाज भी कट रही है, तो हम कोशिश करेंगे आपके पास दोबारा लौटने की। फिलहाल शिल्पी के पास वापस ले चलते हैं। शिल्पी, आप बताइए, ये जो बच्चे आपके आसपास हैं, और वैसे भी भारत में देखा जाए तो जब 12वीं और 10वीं कक्षा के रिजल्ट आते हैं तो एक बड़ा ओकेजन की तरह माना जाता है परिवारों में। तो बच्चों से जानने की कोशिश कीजिए ना कि माँ बाप जो है, जब बच्चों ने उनको बताया कि रिजल्ट आ गया है तो उनकी खुशी का मंजर कैसा था? बिल्कुल, इनसे पूछते हैं क्योंकि देखिए सेलिब्रेशन का समय है तो शायद ये ध्यान इसी पर ज्यादा दे रहे हैं। ये बताइए कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, लेकिन घर में किस तरह का माहौल है? और बहुत खुश है घर में सबको। मतलब कितने परसेंट मार्क्स आए? 95% है। तो पहले से लग रहा था इतने ज्यादा मार्क्स आएंगे या और ज्यादा की उम्मीद थी? थोड़े ज्यादा की उम्मीद रहती है, और फिर जितना आ जाता है उतना तो फिर कम ही लगता है। फिर यही लगता है थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो और हो जाता। बट बिल्कुल, बहुत इन्होंने एक खास बात बताई कि जितने आ जाते हैं उतना तो कम ही लगता है। कुछ और स्टूडेंट्स इनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, गर्ल्स ने इस बार फिर से बाजी मारी है तो कैसे, ज्यादा खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा। आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं? मेरी 96% मार्क्स आए हैं। आप बताइए कितने परसेंट मार्क्स आए हैं? और देर से आया है रिजल्ट, तो घर में कुछ टेंशन थी इस बात को लेकर, देर से आ रहा है अब? या काफी ज्यादा नर्वस हो रहे थे और मेरे 95% आए हैं। मैंने पीसीएमबी स्ट्रीम ली थी। आप बताइए कितने परसेंट मार्क्स आए हैं? परसेंट आए हैं मार्क्स। इस बार लग रहा है फिर से लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। हाँ, शायद लग रहा है ऐसा ही लग रहा है। और सब लड़कियों से ही हम लोग बात कर रहे हैं तो बॉयज से भी बात करना है। पासिंग परसेंटेज गर्ल्स का फिर से ज्यादा है, क्या कहना है मैम? लड़के भी मेहनत करते हैं लेकिन कुछ चीजें रह जाती हैं, लेकिन लड़कियां भी करेंगी। तो कितने परसेंट मार्क्स? 90.6%। 90.6%। आप बताइए, इस बार थोड़ा देर से रिजल्ट आया तो घर में कैसा माहौल है और आप कितने खुश हैं? अब तो बहुत खुश है, माहौल बहुत अच्छा है घर का। और मेरे 92.2% आए हैं। और क्या कहते हैं, बस वही हल्का सा लेट हो गया तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें हुई हैं, बट वैसे बहुत खुश हैं। वैसे बहुत खुश हैं। आप बताइए कितने परसेंट मार्क्स आए हैं? 95%। इस बार जिनको जहां अप्लाई करना था वहां उन्होंने कर दिया है आगे के उसके लिए, लेकिन जिस तरह से ये रिजल्ट आए, थोड़ी सी देर हुई, कुछ नर्वसनेस थी इसको लेकर? हाँ, रिजल्ट है तो ऑफकोर्स ये बातें नर्वसनेस तो होती ही रहती है, लेकिन फिर भी अब बहुत अच्छा लग रहा है। जितनी उम्मीद आपने की थी उतने परसेंट मार्क्स आए हैं? नहीं, उम्मीद तो और ज्यादा की रहती है हमेशा, जितना भी है इंसान सेटिस्फाइड तो नहीं रहता है। और सेटिस्फाइड हमेशा ज्यादा की उम्मीद रहती है। ये टीचर्स हैं, लेकिन टीचर्स से भी जरूर बात करना चाहेंगे क्योंकि इनके चेहरे की भी मुस्कान देखिए देखते बन रही है। श्योर, आवर स्टूडेंट्स हैव डन वेरी वेल। खुश हैं आप? यस, आई एम सेटिस्फाइड। वी आर सेटिस्फाइड, वी आर हैप्पी, दे आर द जीनियस। चलिए, तो ये जो टीचर्स हैं देखिए उनकी भी मेहनत होती है इसमें, इसलिए उनकी भी खुशी ये बता रही है। तो यहाँ तो खुशी का माहौल है क्योंकि रिजल्ट बहुत मेहनत के बाद, जैसे आपने दिखाया, तमाम लड़कियां जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। उनकी स्माइल, उनकी खुशी इस बात का इजहार कर रही हैं कि हालांकि उन्होंने जैसे कहा ना कि 95% से भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए, हमारे साथ कुणाल भी जुड़ गए हैं। कुणाल, मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, कैसा माहौल है, कुछ बच्चे मौजूद हैं क्या आपके साथ इस वक्त, बात जिनसे आप कर पाए? देखिए, बच्चे नहीं है क्योंकि हम ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो कि सब चीज का, जो बिल्कुल आप कहिए एक तरीके का सेंटर है, यही एपी सेंटर है जहां से सभी बच्चों के लिए खुशी की खबर आ रही है। यानी हम सीबीएसई हेडक्वार्टर पे
खड़े हैं। आमतौर पर पहले कुछ सालों पहले यहाँ पर सीबीएसई हेड क्वार्टर में भीड़ लगती थी छात्रों की, लेकिन अब चूंकि ऑनलाइन रिजल्ट आते हैं तो स्कूलों के पास चले जाते हैं, छात्रों के पास चले जाते हैं, डिजी लॉकर में आ जाता है, तो अभी नहीं है। लेकिन थोड़ी देर पहले एग्जामिनेशन कंट्रोलर से मैंने बात की है और उनके लिए भी बहुत बड़ी परीक्षा थी। बच्चों की परीक्षा तो होती ही है, छात्रों की परीक्षा होती है, लेकिन उनके लिए परीक्षा बड़ी थी क्योंकि टर्म वन टर्म टू दो टर्म के इस बार रिजल्ट उनको एक साथ ला करके उनको कंपाइल करके जारी करना था और प्रेशर भी था क्योंकि देर हो रही थी और बच्चों का जो पेशेंस है वो जवाब दे रहा था। तो यहां पर बच्चे नहीं है, लेकिन सीबीएसई हेडक्वार्टर से खबर यही है कि दसवीं के जो नतीजे हैं वो भी जल्दी आएंगे। उनका अभी जो एक्सक्लूसिव बात हुई है जीएनटी से एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब की, संयम भारद्वाज साहब की, उन्होंने ये कहा है कि हमने मंडे का कट ऑफ डेट रखा हुआ, यानी मंडे से पहले दसवीं के नतीजे भी आ जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि मंडे, अभी आज फ्राइडे है तो दो दिन ज्यादा से ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा दसवीं के छात्रों को भी। उसके बाद सबके चेहरे पे खुशियां, थोड़े बहुत लोग बच्चों के चेहरे पे गम भी होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, उनके लिए अगला मौका इंतजार कर रहा है। जी कोई बात। कुणाल, करीब 99.37% बच्चे जो हैं इस बार 12वीं की परीक्षा में पास हो गए हैं, यानी बहुत ही कम नंबर्स रहे होंगे जिन बच्चों ने जो है ये परीक्षा पास नहीं की। लेकिन अब जब आगे बढ़ने की तैयारी की बात की जाए तो बच्चे अभी से तैयारी में जुटे हुए हैं, कॉलेजेस में उन्होंने एग्जामिनेशन देने के लिए तैयारी शुरू कर दी है, कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन कर लिए हैं, इसके बारे में कुछ और जानकारी दीजिए। देखिए सीयूईटी इस बार जो है ना 12वीं के परीक्षाओं का जो नतीजा है ना उसका थोड़ा कम असर है। पहले बहुत प्रेशर होता था कि 12वीं के नतीजे आएंगे, उसके बाद डीयू में अप्लाई करना है, वहां पर दाखिला मिलेगा नहीं मिलेगा, किस कॉलेज में मिलेगा किस में नहीं मिलेगा, ये थोड़ी मन में असमंजस की स्थिति रहती थी, पशुपेश रहता था। इसके बाद जाकर के अप्लाई करना है, ये भी बात होता था कि अगर किसी ने 0.25% कम स्कोर किया है तो हो सकता है उसका कोई अच्छा कॉलेज छूट जाता था और उसको उसके मनपसंद कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाता था। लेकिन इस बार चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन टेस्ट है, सीयूईटी है जो कि चल रहा है, एक उसका फेज जो है वो कंप्लीट ऑलरेडी हो गया है, दूसरा फेज अगस्त में होना है, तो अब छात्रों का जिसका रिजल्ट आ गया है वो अब निश्चिंत होंगे। अब उनका फोकस होगा सीयूईटी पे और सबको बराबर का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि केरला बोर्ड का अलग है, बिहार बोर्ड का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, राजस्थान का अलग है, सीबीएसई आईसीएसई का अलग है। इस बार सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया है कि आप एक ही इम्तिहान देंगे और उससे जो नतीजे आएंगे उसके आधार पर आपका दाखिला होगा। तो जल्दी ही वो भी जो है इम्तिहान कुछ छात्रों का हो चुका है जुलाई के महीने में, कुछ छात्रों का अब अगस्त में होना है। जिनका हो गया है वो निश्चिंत है, उनकी छुट्टी है और अभी रिजल्ट्स का इंतजार रहेगा। लेकिन इस बार राहत की बड़ी बात यही है कि इस बार जो 12वीं के मार्क्स हैं उसके आधार पर दाखिला नहीं मिलना है, इसीलिए किसी को थोड़ा कम भी आया है तो चलेगा। आपने सीयूईटी में थोड़ा सा रिलीफ इस वक्त जरूर मिल गया है, आई एम श्योर आप भी अग्री करेंगे इस बात से कि छात्र बहुत ज्यादा खुश हैं। कुणाल, शिल्पी के पास वापस मैं जाना चाहूंगी। शिल्पी, आप ना खींच खींच कर ला रही थी छात्रों को अपने पास क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है तो बच्चे हाथ में नहीं आ रहे, तो वहां पर जो मौजूद हैं इस वक्त बच्चे उनसे आप ये जानिए, ये पूछिए कि फिलहाल तो चलिए रिजल्ट आ गया, फिलहाल की टेंशन दूर हो गई, आगे के प्लान्स क्या हैं? बिल्कुल, देखिए खींच खींच कर बच्चों को लाना पड़ रहा है। एक बार हॉल का माहौल आप देखिए, जिस हॉल में स्कूल के ये हैं यहाँ पर किस तरह का माहौल है, क्योंकि नतीजा परीक्षा के बाद नतीजे सेलिब्रेशन होता है जो होना चाहिए, जो हम लोग कहते हैं, वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जरूर कुछ स्टूडेंट से बात करेंगे, ये बताइए कि अब तो रिजल्ट आ गए, इस बार तो सीयूईटी था, यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर 12th के मार्क्स पर नहीं थे, आगे का क्या प्लान है? आगे का मेरा नीट का प्लान है, मुझे आगे नीट की तैयारी करनी है और उसमें सफलता हासिल करनी है। आप बताइए कितने परसेंट मार्क्स आए और आगे का क्या प्लान है, क्या उसके लिए पहले से आपने तैयारी की है? मैं, मेरा नाम आदित्य गुप्ता है, मैं रानी लक्ष्मी भाई गंगा विहार चिन्हट लखनऊ से हूँ और मेरे 93.2% आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी है। क्लास 10 तो मेरे 89 ही थे पर इस बार बहुत खुशी हो रही है कि मैंने जो मेहनत की उसका परिणाम अच्छा मिला मुझे। आगे की तैयारी है? हाँ, आगे की तैयारी है, बस यही है कि नीट जल्द से जल्द क्वालिफाई करें और डॉक्टर बने। आप बताइए, आप दोनों आगे की तैयारी है? हाँ, मेरी आगे की तैयारी है, थोड़ी ठीक ठाक है बस। यस मैम, मेरा नाम आलोक कुमार शर्मा है, मैंने 92.2 स्कोर किया है और आगे मैं जेई मेंस की तैयारी कर रहा हूँ अभी फिलहाल, और
बहुत खुशी हो रही है हमें, बहुत खुशी हो रही है। और कुछ जो बच्चे हैं उनके चेहरे से उनका जो एक आध परसेंट कम रह गया है ना, देखिए वो दिखाई पड़ रहा है। और यही वो बात है जो इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में कही जाती है कि मार्क्स तो बहुत ज्यादा है लेकिन अगर थोड़े से भी कम आए हैं, उनके साथियों से थोड़े से कम आए हैं तो वो क्यों आए हैं, ऐसा सोचते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि पहले के साल, पिछले साल में जो हमने देखा था, पिछले दो साल पहले जो हमने देखा था उसके बाद से अब तक हम कहेंगे बहुत रिलैक्स माहौल है। आप मेरे पीछे शोर सुन रही होंगी कि सेलिब्रेशन है, बच्चे खुश हैं और उसमें अपने रिजल्ट को एंजॉय भी कर रहे हैं। इसके पीछे जरूर सीयूईटी भी एक है कि अब इन मार्क्स का बहुत ज्यादा, आपके पास फिर से लौटेंगे और कुणाल आपसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल बता दें कि 12वीं के नतीजों ने छात्रों के चेहरे पर मुस्कान लाती है, तो आइए देखते हैं नतीजे आने के बाद कुछ छात्राओं की प्रतिक्रिया। मतलब एग्जैक्टली पता चल गया कि रिजल्ट आ गया, इट्स शॉक, लिटिल बिट शॉक एज वेल, बट जब पता चला तो एकदम से खोला तो इट वॉज लाइक वेरी एक्साइटमेंटिंग, नो न्यूज, सो वी वर वेरी हैप्पी। एंड इवन दिस टाइम अगेन गर्ल्स गॉट वेरी गुड रिजल्ट। बहुत ज्यादा डर लग रहा था, मेरे अभी रिजल्ट देखते थे मेरे हाथ शिवर कर रहे थे, बट रिजल्ट वॉज वेरी गुड, आई स्कोर्ड 94% एंड या आई वॉज वेरी हैप्पी। तो जाहिर सी बात है कि नतीजे आने के बाद एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा हो गई है। अब देखिए 12वीं के नतीजे आने के बाद सीबीएसई एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज से हमारे सहयोगी कुमार कुणाल ने बातचीत की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। और चलिए ये भी आपको सुनाएंगे लेकिन शिल्पी के पास वापस लौटते हैं। शिल्पी, और छात्रों से क्या आप वहां पर बातचीत कर सकती हैं, मुझे ये बताइए कि जाहिर सी बात है छात्रों के साथ कुछ पेरेंट्स भी इस वक्त वहां पर मौजूद होंगे, उनसे आपकी बातचीत हो पाई है क्या? बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि पेरेंट्स की भी बहुत मेहनत रहती है, जब छात्र कोई परीक्षा पास करते हैं तो उनके घर के लोगों की भी, तो स्कूल ने पहले से घर के लोगों को, उनके परिजनों को, पेरेंट्स को यहां बुला लिया था, पेरेंट्स यहां पर बैठे हैं। ये बताइए कि एक बहुत अहम मौका पेरेंट्स के लिए भी होता है जब रिजल्ट बच्चे का आता है, और आपके बच्चे का रिजल्ट आया है, आप यहाँ पहले से हैं, खुश है रिजल्ट से, कितने परसेंट मार्क्स आए? जी 91% 6 पॉइंट जी। खुश हैं आप? कि ज्यादा की उम्मीद थी? ज्यादा की उम्मीद थी लेकिन ठीक है। चलिए आप ये बताइए कि कितने परसेंट मार्क्स आपके बच्चे के आए, और पेरेंट्स की भी मेहनत रहती है एक तरह से? ऑब्वियसली मैम, बिकॉज पेरेंट्स के हेल्प के बगैर तो, बिकॉज बच्चों को हमें पूरी अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है कि वो अपने आप को निखार सके और अपने आप को। इस बार सीबीएसई का रिजल्ट थोड़ी देर में आया तो उसको लेकर भी थोड़ी नर्वसनेस घर में थोड़ी, वेरी मच टेंस बिकॉज एडमिशन एंड ऑल, उसका सब प्रेशर था हम लोगों के ऊपर, तो डेफिनेटली। शिल्पी आपके पास फिर से लौटते हैं, जिस तरह से सीयूईटी की परीक्षा, भारी उत्साह दिख रहा है पेरेंट्स में भी। तेजश्री हमारे साथ बनी हुई है केंद्रीय विद्यालय से, नोएडा से, तेजश्री से भी जानते हैं कि वहां पर कैसा नजारा है। तेजश्री बताइए, आज 12वीं के नतीजे घोषित हुए हैं तो बच्चों से आप घिरी हुई हैं और बच्चे भी काफी उत्साहित दिख रहे हैं आपसे बातचीत करने के लिए, इनसे बात करके जानने की कोशिश कीजिए ना कि इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। और एक खास बात यह भी होगी कि आर्ट्स साइंस और कॉमर्स में बच्चे जो है स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं 12वीं कक्षा में, तो इसमें से कौन सी स्ट्रीम के बच्चों ने बाजी मारी है? तेजश्री आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए मेरी मौजूदगी इस वक्त केंद्रीय विद्यालय के बाहर है और साथ ही साथ आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय में अभी जैसा हमने प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने बताया कि इस वक्त वो जारी करने वाले हैं कि 12वीं में किस बच्चे ने टॉप किया, और 10वीं के बच्चे भी इस वक्त सब जमा है और उनको उत्साह जरूर है कि उनके नंबर कितने आने वाले हैं, क्योंकि 12वीं का तो रिजल्ट घोषित हो गया है, 10वीं का भी कुछ ही समय में हो जाएगा। और जैसा हमने देखा कि 12वीं की जो कक्षाएं हैं, जिस तरह से रिजल्ट आया उसमें लड़कियों ने सबसे ज्यादा बाजी मारी है, और कुल रिजल्ट यदि हम देखें तो 96% लगभग जो है वो रिजल्ट आया है, यानी कि कुल मिलाकर लड़कियों ने बाजी मारी पिछले साल की तरह। और कुछ बच्चियां भी हमारे साथ जो इस वक्त अपनी जो खुशियां हैं वो एक गाने के जरिए बयां करना चाहती है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी शुक्ला। लक्ष्मी, कौन सा गाना गाना चाहेंगे आप 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट आया उसके लिए? पापा कहते हैं बेटा नाम कर, गा के बताएंगे? यस मैम। पापा कहते हैं बेटा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, सच सारे सपने पापा को अपने करने चला।
मैं यूं ही, थैंक यू मैम। तो देखिए वो सभी बच्चे हैं, कितना खुशी का पल होगा इनके लिए, उन बच्चों के लिए जो 10वीं और 12वीं कक्षाओं में जिन्होंने अच्छे नंबर हासिल किए हैं, और साथ ही साथ ये संदेश भी दे रहे हैं अपने माता पिता के लिए भी। देखिए कि कुछ भी हो जाए बच्चों के लिए, माता पिता के लिए बच्चे जो है वो अच्छा काम निश्चित ही करेंगे और उनका नाम जरूर रोशन करेंगे। और कहीं ना कहीं स्कूल के बाहर जो वो एक्साइटमेंट नजर आ रही है, और ये भले ही छात्र छात्राएं जो इस वक्त मौजूद है ये 10वीं और 12वीं कक्षाओं के क्यों ना हो, लेकिन ये जरूर इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट जो है कब स्कूल की तरफ से ऑफिशियली आएगा, कि टॉप किसने किया है। लेकिन कुल मिलाकर जैसे हम बात करें, मैं एक बार आपको यदि रिजल्ट जो है 10वीं का 12वीं का जो माफ कीजिएगा बताऊं दिल्ली रीजन का, तो सीबीएसई क्लास 12 के लिए इस बार 3,75,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 2,98,000 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए। और इसमें से सबसे अच्छी बड़ी गुड न्यूज यह है कि 2,87,000 विद्यार्थी इसमें सफल हुए हैं, यानी कि परसेंटेज यदि हम बात करें पास परसेंटेज की, तो वो रहा है 96.29%, यानी कि 96.29% जो है वो पासिंग परसेंटेज रहा है दिल्ली एनसीआर के रीजन की यदि हम बात करें तो। और साथ ही साथ यदि हम ओवरऑल बात करें कि यदि केंद्रीय विद्यालय, और साथ ही साथ यदि हम बात करें नवोदय स्कूलों की, तो नवोदय स्कूल का ऐसा कहा जा रहा है कि रिजल्ट जो है वो केंद्रीय विद्यालय से बेहतर रहा है। जी चलिए तेजश्री शिल्पी और कुमार कृणाल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए। जाहिर सी बात है कि एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है इस वक्त बच्चों में, क्योंकि 12वीं के नतीजे आ गए हैं। तो 12वीं के नतीजे आने के बाद सीबीएसई एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज से हमारे सहयोगी कुमार कृणाल ने बातचीत की है, सुनिए उन्होंने क्या कहा। सीबीएसई ने आज 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इंतजार थोड़ा लंबा था, लेकिन आखिरकार जो होता है अंत भला तो सब भला। हमारे साथ स्वयं भारद्वाज साहब हैं जो कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं सीबीएसई के। सर, आखिरकार लोगों का, बच्चों का, पेरेंट्स का इंतजार खत्म हुआ, किस तरीके के नतीजे हैं अगर आपने कंपेयर किया आखिरी कुछ सालों से? तो सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि ये वर्ष एक बहुत ही विशेष वर्ष था। ये वर्ष वो वर्ष था जिसमें बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, टीचर्स ने घर से मेहनत की, सेकेंड टर्म में वो लोग अपने स्कूल जा पाए और मेहनत की, कोविड के डर के अंडर में उन लोगों ने जो है अपनी परीक्षाओं का आयोजन किया। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो मैं ये कहूंगा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है हमारी। 2021 के आंकड़े तो हमारे स्कूल के थे, तो उससे तो हम इसको कंपेयर कर नहीं सकते, लेकिन जो ये आंकड़े हमारे हैं लगभग 92% प्लस रिजल्ट जो हमारा है बच्चों का, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। और ये इस बात का द्योतक है कि बच्चों ने सेकेंड टर्म में बहुत अच्छे तरीके से मेहनत की, उनके लगातार ये प्रयास चलते रहे कि उनके परीक्षा परिणामों में सुधार हो। स्कूल्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत मेहनत की, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, मैनेजमेंट को मेरा विशेष रूप से धन्यवाद इस चीज के लिए कि जब हम लोग कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, वो लोग घर से बाहर आए, स्कूलों में आए, उन्होंने हमारी परीक्षाओं का संपादन कराया, हमारा इवैल्यूएशन किया, और आज हम इस मुकाम पर हैं जहां पर कि हम अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर पा रहे हैं। अच्छा, ये जो टर्म वन और टर्म टू, इस बार पहला साल था और आखिरी भी साल है कि ये टर्म वन और टर्म टू दोनों की परीक्षाएं ये हुई हैं, तो इसमें क्या रिजल्ट में, अभी तो आपने टर्म टू का जारी किया, क्या टर्म वन का कुछ आपने कितना वेटेज रहेगा, क्या रहेगा, उसको लेकर के भी कुछ तैयारी की है या कुछ आपने घोषणा की? नहीं, देखिए ये तो जो पूरा रिजल्ट है, जब हम लोगों ने पॉलिसी बनाई थी तो हमने बताया था कि दो टर्म में हम एग्जाम कराएंगे और फाइनल रिजल्ट जो होगा वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा दोनों टर्म के बिहाफ पर। इसीलिए अगर आपने देखा हो, हमने टर्म वन का हमने कभी नहीं कहा कि हमने रिजल्ट घोषित किया, हमने कहा कि हमने टर्म वन की परफॉर्मेंस बताई है। तो टर्म वन की परफॉर्मेंस, टर्म टू की परफॉर्मेंस जो निर्धारित हुई उसके आधार पर उसको मिलाकर ये रिजल्ट जो है हमारी तरफ से घोषित किया गया है और ये संपूर्ण रिजल्ट है अब। तो सीबीएसई की तरफ से 12वीं के नतीजे घोषित होने के बाद छात्र बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। रांची की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, वहां पर छात्र क्या महसूस कर रहे हैं वो सुनिए जरा। सीबीएसई 12वीं की रिजल्ट आ गई है और झारखंड ने भी दमदार उपस्थिति दर्ज करवाई है। 12वीं में बच्चों को रिजल्ट का इंतजार लंबे वक्त से था और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। इस वक्त हम एक स्कूल में हैं और यहाँ पे बच्चे बिल्कुल जो है
क्लाउड 9 पे है, जुबिलेंट मूड में है। इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं राम सिंह जी, उनसे पहले हम बात कर लेते हैं। सर कैसा रिजल्ट रहा, कैसा बच्चों ने फेयर किया इस बार पटना रीजन की अगर हम बात करें? देखिए पूरे रीजन के, पटना रीजन के और झारखंड के बच्चे बहुत अच्छा किए हैं। जहां तक डीपीएस की बात है, हमारा जो हाईएस्ट है 99.4 है। दो बच्चे हैं, एक हमारा हेड बॉय जो साकिब अरसलान और स्मृति गोयल, ये दोनों बच्चे 99.4 पाए हैं। और बहुत से बच्चे जो हैं 95 एंड अबव है, करीब 80% बच्चे हमारे 90 एंड अबव पाए हुए हैं। तो ये बिल्कुल जो है मोटिवेशन का भी विषय है बच्चों के लिए। दूसरे देखिए डीपीएस का जो रोल मॉडल अपने ही स्कूल में रहते हैं, तो जो अभी के बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि टारगेट अच्छा मिला है। और पिछले सालों भी हमारा जो स्टेट टॉपर है और अच्छे रिजल्ट जो है हमारे बच्चे देते आए हैं। ये आपने 12th दिया था जी, हाँ, कितना परसेंट आया और किस स्ट्रीम में थे आप और व्हाट इज योर गुड नेम? माय नेम इज प्रदीप्ति श्रीवास्तव एंड मैं आर्ट्स में थी और मेरा टोटल परसेंटेज 97 था। 97 आया है, कैसा करना है आप लोगों को? अब कितना टारगेट आप लोग कर रहे हैं, जब आप लोगों की जो सीनियर है उन्होंने 97% लाया है? हमारा टारगेट यही रहेगा कि हमें जो लेगेसी हमारे सीनियर्स ने दिया है हम उसे कंटिन्यू करें और उसे हम और भी ज्यादा गोल्डनाइज करें। ठीक है, और आप लोग क्या बनना है, कितना परसेंट लाना है? 100% टारगेट फिक्स कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। हाँ यस सर। नाम बताइए। सर तेजस्वी कौशल। जो सारे लोग जो है बच्चे मोटिवेटेड फील कर रहे हैं और जुबिलेंट मूड में है, घर में मिठाइयाँ आज बटेंगी ना आप लोगों के फादर में, तो खुशी का माहौल और वाकई एक मौका भी है, जश्न का माहौल है, ट्रिम्पेंट मूड में है, जुबिलेंट मूड में है बच्चे और मोटिवेशन भी मिल रहा है कि कैसे जो है आगे और बेहतर करना है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक। कहते हैं ना कि पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं वहां की परेशानियां मैदानी इलाकों की तुलना में कुछ ज्यादा ही हो जाती हैं। खासकर बरसात के दिनों में तो यहां की चुनौतियां कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, रोजमर्रा का जीवन यापन मुश्किल हो जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे वो तस्वीर जो जीने का हौसला देती है, चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देती है और ये सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों का यहां किस तरह से सामना किया जाता है। सैलाब का शोर जब डराने लगे, नदी नाले जब खतरे के निशान से ऊपर उफान पर बहने लगे, पानी का प्रबल प्रवाह जब सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो जाए, पहाड़ जब दरकने लगे, टूट टूट कर गिरने लगे, पहाड़ों से गिरने वाला मलबा जब जान पर संकट का सबब बन जाए, कुदरती आपदा के आगे जब इंसान पूरी तरह बेबस हो जाए, जिंदगी की रफ्तार जब पूरी तरह थम जाए, ना तो आगे बढ़ने का मार्ग मिले ना पीछे लौटने का, तब शुरू होती है इंसान की असली अग्नि परीक्षा। मानसून का प्रकोप है, कहर है, उसकी तस्वीरें हम आपको ऐसे इलाकों से दिखा रहे हैं जहां पे मोबाइल का नेटवर्क तक नहीं है और कितने खतरनाक कंडीशंस में लोगों को इस वक्त जिंदगी बितानी पड़ रही है। प्रकृति की इस परीक्षा को पहाड़ों पर रहने वाले लोग रोजाना देते हैं, पहाड़ों पर घूमने आए लोग रोजाना देते हैं, लेकिन अपने जज्बे से इस इम्तिहान को जीतते भी हैं। पानी का प्रवाह बहुत ज्यादा है और रेतीला छोटे छोटे कंकड़ हैं जिसकी वजह से बैलेंस खराब हो सकता है और यही वजह है कि गाड़ियां जब यहां से आती हैं और पानी का प्रवाह, बारिश ऑरेंज अलर्ट के दिन है, ये परीक्षा की घड़ी है उत्तराखंड में और आप देख सकते हैं किस तरह से प्रकृति इस वक्त उत्तराखंड के लोगों की परीक्षा ले रही है कि वहां पे वो गाड़ी रुकी हुई है जो यात्रियों को लेके आई है और जब तक ये बीआरओ के जो वर्कर्स हैं ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे पत्थरों को भर के तब तक ये गाड़ी यहीं रुकी जाएगी और लोग यहां से दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। जाहिर है मुश्किल बड़ी है, चुनौती बड़ी है, लेकिन हौसला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, जिंदगी को जीने का जज्बा कहीं ज्यादा बड़ा है,
शासन से लेकर प्रशासन तक इन मुश्किलों का सामना कर लोगों की जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश में जुटा है। और डेली ये रोड चली जाती है, यहाँ पे रात को पैदल मार्ग भी नहीं बचता है। सुबह जो गांव से दूध सब्जी लेके आते हैं वो लोग पैदल ऊपर जंगल के रास्ते आते हैं। जब हम लोग यहाँ पर रोड काटते हैं, दोबारा नई रोड बनाते हैं, तभी यहाँ पर गाड़ियां भी पास होती है और पैदल लोग भी चलते हैं। बरसात के दिनों में पहाड़ी इलाकों की ये रोजाना की दास्तां है। सड़कों का बह जाना आम है, आवाजाही का रुक जाना रोजमर्रा की बात है, लेकिन फक्र उस इंसान पर है जो जिंदगी को पटरी पर लाने की प्रशासन की मुहिम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। क्या ले जा रहे हैं इसमें? रेता, रेता। रेता ले जा रहे हैं, कहाँ डालेंगे इसको? रोड बनाने के लिए आगे? हाँ, उत्तराखंड की पहाड़ियों पर चुनौती कितनी बड़ी है, कुदरत किस तरह इंसान का इम्तिहान ले रही है और लोग किस तरह अपने हौसले और हिम्मत से हर चुनौती का डटकर सामना कर रहे हैं, इसकी झलक आपने देखी। अब आपको दिखाएंगे हर एक झलक की मुकम्मल तस्वीर, आपदाओं के आगे बाधाओं को पार कर जिंदगी की जंग जीत लेने की पूरी कहानी। अमित भारद्वाज, पिथौरागढ़, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ चाहे हिमाचल के हों या जम्मू कश्मीर के, नॉर्थ ईस्ट के हों या उत्तराखंड के, इन इलाकों में मुश्किलें करीब एक सी ही होती हैं और चुनौतियां भी तकरीबन एक ही जैसी रहती हैं। खासकर बरसात के दिनों में किस तरह की मुश्किलें यहां होती हैं और किस तरह लोग इन चुनौतियों का सामना करते हैं, ये जानने समझने के लिए गुड न्यूज टुडे की टीम पहुंची उत्तराखंड के पिथौरागढ़, जहां मुनस्यारी को बागेश्वर से जोड़ने वाला एक लौता लोहे का पुल पिछले दिनों ध्वस्त हो गया था। अब इस मेन सप्लाई चेन के टूटने से किस तरह शासन प्रशासन और स्थानीय लोग पूरे हौसले और हिम्मत से इस चुनौती का सामना कर रहे हैं, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। पिथौरागढ़ की हसीन वादियां इन दिनों कई इम्तिहान से गुजर रही है। प्रकृति की गोद में बसे इस खूबसूरत इलाके की कुदरत रोजाना परीक्षा ले रही है। आसमान से हो रही मूसलाधार बारिश जमीन पर सैलाब लाने पर आमादा है। नदी नालों से पूरी रफ्तार से बहता पानी सड़कों को जमीन दोज करने पर उतारू है। रह रहकर गाड़ियों का चक्का जाम हो रहा है, सड़कें पानी में बह जा रही हैं। उफान पर बह रही जलधारा आवाजाही को घंटों तक बाधित कर रही है, लेकिन इन बाधाओं को पार कर जिंदगी आपदा से लड़ रही है। ये घुटने भर पानी में जो लोग आपको डूबे हुए दिख रहे हैं, लगातार पत्थर डाल रहे हैं नदी में, ये असल में मुख्य मार्ग है फिलहाल के लिए, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी को बागेश्वर से जोड़ता है, मेन सप्लाई लाइन है। और इस तरह से यात्री नाचनी और पिथौरागढ़ के अलग अलग हिस्सों से मुनस्यारी की तरफ जाते हैं और ये अब मुख्य मार्ग बन गया है। मुख्य मार्ग इसलिए बन गया है क्योंकि धावलीगढ़ में ये जो पुल था, वैली ब्रिज था, उसको बादल फटने की वजह से वो पुल जमींदोज हो गया, टूट के नीचे गिर गया। ये तकरीबन 15 दिन पहले की घटना है और 15 दिन के बाद अब खतरा जो इस पूरे इलाके में मंडरा रहा है वो ये है कि जब भी बारिश होती है, अब ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट के दिन है, यानी कि ये जो झरना, जो नदी आप देख रहे हैं, इसके पानी का प्रवाह प्रबल होता है और जब वो प्रबल होता है तो ये पूरा का पूरा ट्रैफिक यहाँ पे रुक जाता है, लोगों को खास करके बाइकर्स को बहुत दिक्कत होती है। तो आप लंच टाइम में हमारे साथ हैं ही, तो आपको बता दें हिंदी सिनेमा के मशहूर गायक मुकेश का आज जन्मदिन है, पूरा देश आज उन्हें उनके नगमों के जरिए याद कर रहा है। देखिए आप आज का है लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में, जहां हम आपको दिखाते हैं किसी महान व्यक्ति के विचार, तो आइए डालते हैं नजर आज के विचार पर।
रतन टाटा ने कहा है कि अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक चलना है तो सभी के साथ चलिए।